डाल दी प्रोग्रामिंग आ जाता है, थर्ड से प्रोग्रामिंग आता है। एक आपने कौन सा मशीन चूज किया है, पावर स्टीम। पावर स्टीम मीनिंग क्या होता है, पावर स्टीम आप गर्म पानी में कपड़े धो सकते हैं। पावर स्टीम मतलब आपने गर्म पानी में कपड़े धोना चाहिए, बहुत हाइजीन कपड़े हैं। ये चार प्रोग्राम जो दिखता है, मिक्स डेली, बेबी बियर, जींस, एल्टी नेल्चर, ये चार प्रोग्राम पे हम लोग स्टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी प्रोग्राम कोई चूज करे एंटीक्लॉक घुमाते हैं, एंटीक्लॉक घुमा के ले सकते हैं। मिक्स डेलिंग क्या करना, जितने फैमिली मेंबर कपड़े आते हैं, किसी सिंथेटिक, किसी उलन, किसी जींस, किसी स्पोर्ट भी, जितने मिक्स कपड़े हैं सबका है, तो मिक्स डेलिंग लगा चालू कर देना है। आपको टेम्परेचर सेट करना है, तो यहाँ से हम लोग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। 41 मिनट हो गया, 61 मिनट, स्टीम 122 मिनट हो गया। इसमें क्या ना, थोड़ा गुनगुना पानी कपड़े धोता है। स्मार्ट से आपने कपड़े डाल दिए, लिक्विड डाल, सब कुछ डाल, इसमें क्या होता है आप कितना कपड़ा घान है, कितना पानी चाहिए, कितना टाइमिंग चाहिए, तो मशीन ऑटोमेटिक इसमें सब करता है। स्मार्ट से ऑटोमेटिक सब कुछ सेटिंग करता है मशीन। सिर्फ आपको क्या करना, कपड़े लगाना, लिक्विड डालना, इसमें आपको स्टार्ट कर देना है। तो टाइमिंग कितनी पानी चाहिए, कितना चाहिए, कितना गंदा है, उसके साथ टाइमिंग मशीन ऑटोमेटिक सब सेट करता है। स्प्रे स्वास्थ्य ना के बराबर गंदे कपड़े, जैसे आप मार्केट गए, मैरिज पार्टी या फिर कर दो, घंटे कपड़े यूज किए, तो हल्के नॉर्मल कपड़े गंदे कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, स्प्रे स्वास्थ्य। ब्लैंकेट जब अपने बिछाने वाला चद्दर ये सब आता है, ब्लैंकेट आता है, ये सब यूज करना है, तो कौन सा प्रोग्राम यूज करना है, ब्लैंकेट यूज करना पड़ेगा। इसमें कॉटन के ब्लैंकेट ये सब आप यूज कर सकते हैं। बेबी बियर छोटे बच्चे कपड़े हैं, ये सब कहते हैं बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रहते हैं छोटे बच्चे के, उसके लिए आपको बेबी बियर लगा के चालू कर देना मैडम। जींस, जींस के लिए जींस चालू कर देना है। एलटी लर्जर, कोई हॉस्पिटल गए या पब्लिक प्लेस पे जाता है, उसके लिए कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं, एलटी लर्जर। स्टैंड फाइटर, आपको लग रहा है बहुत कपड़े में दाग धब्बा लगा हुआ है, तो ये क्या करता है स्टैंड फाइटर, मतलब वो दाग आपको निकल जाता है, स्टैंड फाइटर में दाग जो भी रहेगा वो निकल जाता है इसमें। डेली केयर, जिस कपड़े में बहुत वर्क हुआ रहता है, फॉर एग्जाम्पल मोटी वाला कपड़ा हो गया, जिस कपड़े में डैमेज सितारा ज्यादा लगा रहता है, वो सब कपड़ा यूज करना किस में यूज करते हैं, डेली केयर में। माई साइकिल लगा के माई साइकिल कपड़े आप प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, सिर्फ कपड़े मुझे वॉश करना है, वॉश करने के लिए वॉश लगा सकते हैं, सिर्फ वॉश करना कपड़े, वॉश करना वॉश के लिए। शॉक मीनिंग क्या होता है, आपको लग रहा है मुझे कपड़े शॉक करना है। शॉक मतलब पहले लोग क्या करते हैं, कपड़े एक दो घंटा भिगो कर रखते थे, उसके लिए शॉक भी कर सकते हैं। रिंच कपड़े सिर्फ खंगालना है, खंगाल सकते हैं। स्पायरिंग कर सकते हैं, आपने कपड़े हाथ से धोया हुआ है या पाउच वाले कपड़े, सिर्फ मुझे ड्राई सुखाना है, तो आपको क्या करते हैं पावर ऑन करना है, स्पिन दबाना स्टार्ट कर देना है। तो उसके लिए आपको स्पिन दबा के चालू कर देंगे, आपको 10 मिनट कपड़े सूख के आ जाते हैं, 70% या 80% कपड़े आपको इसमें सूख के आता है। डिले मीनिंग क्या था, आपको लग रहा है मुझे 2 बजे बाहर जाना, 4 बजे लाइट सोसाइटी में पानी आने वाला है, तो 2 घंटे डिले लगा सकते हैं, 2 घंटे डिले लगा देंगे, जब भी आपको 2 घंटे बाद 4 बजे लाइट पानी आएगा, तो मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है मैडम, डेमो तो पूछ सकते हैं। स्टीम वगैरह देना होगा तो आपको स्टीम सेलेक्ट करना है। ये चार प्रोग्राम पे होता है, मिक्स पे होगा, बेबी बियर पे होगा, जींस पे होगा, एल्टी नेल्चर, जो आपको चार सिंबल दिख रहा है, तो हम लोग इसमें स्टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ किया मिक्स डेली लगाया, तो यहाँ टेम्परेचर सेट कर देखिए, 40 टेम्परेचर हो गया, 60 हो गया, स्टीम हो गया, 120 मिनट हो गया, 47 कोई पानी धोएगा, 41 मिनट, 60 टेम्परेचर हो गया आपका, इसके लिए इसमें धोएगा आपका। ये आप बेबी बियर ले सकते हैं, इस पे 2 घंटा 14 मिनट है टाइमिंग, 40 टेम्परेचर, 60 के लिए 2 घंटा 6 मिनट, स्टीम के लिए 2 घंटे हो गया, ये कोल्ड पानी के लिए 1 6 मिनट 1 घंटा 6 मिनट रहेगा। जींस के लिए जींस ले टेम्परेचर सेट करेंगे, तो जींस हो गया 120 112 146, ये अपना स्टीम के लिए 1 घंटा 12 मिनट आपका नॉर्मल पानी के लिए, कोल्ड पानी के लिए। एलटी नजर कोई हॉस्पिटल पब्लिक प्लेस पे जाता है, उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेम्परेचर आपको जो भी चाहिए सेलेक्ट करके स्टार्ट कर दीजिए। फिर कन्फ्यूजन लगता है तो पूछ सकती मैडम आप, इसमें कुछ आपको नहीं समझ में कोई क्वेश्चन है तो आप एनी वन कर सकती हैं। ठीक है, ओके। आपने कौन सा मशीन लिया है, TL SBR 8 kg एक्वा पावर स्टीम। ओके, थैंक यू मैडम।